हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टिज हेल्दी व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दूध की मलाई से घी को कैसे निकालते हैं, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में कम मेहनत के साथ। तो दूध की मलाई से घी निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जैसे कि दूध की मलाई, आइस क्यूब्स और बिल्कुल ठंडा पानी। तो अब इसे हम, ये जो मेरी मलाई है, ये मैं 7 दिन की स्टोर की हुई मलाई है। इसको मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा था। तो आप भी अपनी मलाई को फ्रीजर में स्टोर करें, उससे क्या होता है कि जो मलाई है वो ख़राब नहीं होता है, स्मेल नहीं आता है। फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में स्टोर करें। तो ये मैंने 7 दिन की मलाई ले लिया है, और इसको मैंने कल फ्रीजर से निकाल दिया था और रूम टेम्परेचर पर इसको नॉर्मल होने के लिए छोड़ दिया था। तो सुबह निकाली थी, और शाम के टाइम जब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया तब इसमें मैंने जामुन डाल दिया था। जामुन जिससे कि दही जमाई जाती है, कुछ लोग उसे जोरन भी कहते हैं, तो उसको मैंने डालकर रात भर इसे छोड़ दिया। और ये देखिए, आज सुबह ये बिल्कुल दही की तरह जम गई है। इस तरह से घी निकालने से जो वेस्ट है वो बहुत कम निकलता है, और जो घी है वो ज़्यादा निकलता है। तो ये देखिए, मैं इसको काट कर दिखाऊंगी आप लोगों को, ये कितना गाढ़ा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही इसको खाने का मन कर रहा है देखकर। तो इस तरीके से आप करें, जिस दिन आपको घी निकालना है उसके एक दिन पहले ही आप तो अपने मलाई को निकाल कर रख दें और रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल होने दें, और शाम के टाइम उसमें जामुन डाल दें और उसे जमने दें। और अब मैं क्या करूँगी, इसको ग्राइंडर जार में ले लूँगी। आप बड़े वाले जार लेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा पीसने में, सॉरी घी निकालने में, मक्खन निकालने में। तो ये मैं छोटा ही यूज़ कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसमें मलाई डाल लूँगी और इसको लीड लगाकर मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसको ऑन कर लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा चलाएं, 2 सेकंड के लिए चलाएं और फिर बंद कर दें। तो ये देखिए, ये इस तरह से हो चुका है मलाई जो है, ये अभी मक्खन इसमें निकला नहीं है। तब हम क्या कर देंगे कि जो हमने ठंडा पानी लिया था फिर फ्रिज का, उसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर से मिक्सर चला देंगे, और लगातार नहीं चलाना है, रुक रुक कर चलाना है। लगातार चलाने से जो जार है वो गर्म हो जाता है और मक्खन ठंडा से ही निकलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मक्खन है वो ऑलमोस्ट निकल रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आइस क्यूब। और फिर से मिक्सर को चला लेंगे। बिल्कुल रुक रुक कर चलाना है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ ही देर में जो मक्खन है वो निकल कर आ जाता है। तो ये देखिए, हमारा मक्खन जो है वो निकल कर आ गया है। किनारे किनारे देखिए मक्खन आ गया, और बीच में जो है वो बटर मिल्क है, यानी कि छाछ। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी यूज़ करेंगे। तो उसका मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि क्या यूज़ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मक्खन कितना अच्छे से निकल कर आ गया है। तो उसको इकट्ठा करके अच्छे से इसका पानी गिराकर और एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप उसी बर्तन में मक्खन को निकालें जिसमें आपको घी बनाना है, कोई एक्स्ट्रा बर्तन निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो जिसमें आपको घी निकालना है उसी बर्तन में आप निकालें, और ये जो पानी है इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे, ताकि जो हमारा मक्खन है थोड़ा बहुत वो छन्नी में रह जाए और जो हमारा बटर मिल्क है वो बाउल में चला जाए। तो स्पून की हेल्प से हम इसको अच्छे से दाब लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा जो पानी है निकल जाएगा।
और ये जो मक्खन है इसको हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे। और इसी तरह मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो ग्राइंडर जार में हम मलाई को निकाल लेंगे, उतना ही जितना भर कर निकालना है। आपका अगर बड़ा मिक्सर है तो उसका आधा ही रखें, छोटा है तो उसका आधा रखें, क्योंकि अभी इसमें पानी भी डालना होता है। आप भर देंगी तो वो गिरने लगेगा। तो फिर से हम ग्राइंडर जार को उसमें मिक्सर में लगाकर और ऑन कर देंगे मिक्सी, बिल्कुल रुक रुक कर उसी प्रोसेस के से। तो ये देखिए अभी मक्खन निकला नहीं है, तो हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। बिल्कुल ठंडा पानी लेना है फ्रेंड्स, ध्यान रखें, नॉर्मल नहीं, फ्रिज का ठंडा पानी। और पानी डालने के बाद फिर से हम इसे रुक रुक कर चलाएंगे। लिड को अच्छे से पकड़े रहें ताकि पानी बाहर ना फेंके। तो ये देखिए मक्खन जो है वो निकल रहा है, निकलने के प्रोसेस में है मक्खन। तो हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे, बिल्कुल उसी तरह प्रोसेस कर से करेंगे। और आइस क्यूब डालने के बाद फिर से हम मिक्सर चला लेंगे रुक रुक कर, और लिड को अच्छे से पकड़े रहेंगे ज़ोर से। और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपका जो मक्खन है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मक्खन जो है वो निकल कर आ गया है। किनारे किनारे सब मक्खन निकल गया है। तो हम इस मक्खन को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। और फिर से हाथ में निकाल कर, तो हाथ में लेकर अच्छे से इसका जो पानी है उसे गिरा देंगे, निचोड़ लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से दबाकर, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम उसी कढ़ाई में रख देंगे जिसमें मुझे घी निकालना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से पानी निचोड़ लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा पानी है उसको फिर उसी तरह छन्नी से छान लेंगे। और इसमें जो मक्खन छन गया है इसको स्पून की हेल्प से इसका पानी निकाल देंगे। और फिर इसी प्रोसेस से सारे मक्खन निकाल लेंगे, उसी तरह मलाई को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे, फिर ठंडा पानी डालकर उसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसी मेथड से सारे मक्खन को निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये सारा मक्खन मेरा जो है वो निकल चुका है। ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में निकला है। इस मेथड से निकालने पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। और ये जो है ये हमारा बटर मिल्क है, यानी कि मट्ठा, इसको छाछ भी बोलते हैं। तो इसको फेंके नहीं, इसको आप इसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर आप इसको दोपहर का खाना खाने के बाद पी भी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो गर्मी के दिन में तो छाछ पिया ही जाता है, मट्ठा पिया जाता है, तो आप इसमें काला नमक डालकर ज़रूर पिएं। और ये जो हमारा मक्खन है तो इसको हम पहले ठंडे पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने से मलाई में जो थोड़ी बहुत भी स्मेल होगी, अगर वैसे तो नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत भी जो भी होगी वो अच्छे से धुल जाएगी, जिससे कि हमारा जो घी है वो लंबे समय तक स्टोर रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो इसको ध्यान रहे ठंडा पानी से ही वॉश करना है। वॉश करने का मतलब बस ऊपर से ऐसे पानी डाल देना है ताकि जो भी इसका स्मेल होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से पानी से वॉश करके इसको
और जो भी पानी निकला है उसको हम फेंक देंगे, दूसरे बर्तन में डाल देंगे बिल्कुल सावधानी से, ताकि जो मक्खन है वो गिरे ना। और फिर ये जो मक्खन है इसको अच्छे से प्रेस कर करके जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसमें उसको निकाल लेंगे, और फिर उसे भी हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो मक्खन है उसको आप खाने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मक्खन है कितने अच्छे से निकल आया है और कितना ज़्यादा क्वांटिटी में निकला है। तो आप इस मक्खन को खाने में भी यूज़ कर सकती हैं, अपने बच्चों को खिला सकती हैं, और अगर घी बनाना है तो उसका घी भी बना सकती हैं। तो हम इस कढ़ाई को चढ़ा देंगे और कर देंगे फ्लेम ऑन। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है शुरू में, और इसे हम घी निकलने देंगे। तो इसमें से मैंने कुछ मक्खन निकाल कर रख लिया है, खाने के लिए यूज़ होगा, और बाकी को मैंने घी निकालने के लिए रख दिया है। तो जो मक्खन है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मक्खन में आप मिश्री मिलाकर बच्चों को खिलाएं, बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपने सुना ही होगा कि हमारे जो कृष्ण भगवान थे, यानी कि जो बाल गोपाल, वो उनको मक्खन कितना ज़्यादा प्यारा था। तो वो माखन मिश्री खाकर ही वो इतने स्ट्रांग थे। तो ऐसा सच में है। ये तो जो मक्खन है इसमें आप जो धागे वाली मिश्री आती है, चीनी वाली नहीं, धागे वाली जो मिश्री आती है उसको मिक्स करके और अपने बच्चों को खिलाएं डेली, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा घी है वो अब निकल रहा है, धीरे धीरे निकलने के प्रोसेस में आ रहा है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और ये जो मक्खन है, मैं जब भी मक्खन निकालती हूँ तो उसे खाने के लिए ज़रूर ही रख देती हूँ। हम लोग भी खाते हैं और मैं अपनी बेटी को भी खिलाती हूँ उसमें मिश्री मिलाकर। तो ये हमारे कृष्ण भगवान का सबसे फेवरेट भोजन था, उनका प्रिय था माखन। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा घी है वो धीरे धीरे निकल रहा है। फ्लेम को लो रखना है, थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी निकलता है। तो आप इस मेथड से घी निकालें, जामुन डालकर आप रात भर उसे छोड़ दें जमने के लिए, और जब वो जम जाए तो सुबह फिर उसे जिस मेथड से मैंने आपको बताया कि कैसे ठंडा पानी डालकर और आइस क्यूब डालकर निकालना, उस मेथड से आप मक्खन निकालें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है फ्रेंड्स, और मक्खन भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, और जो घी है वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। और जो हमारा घी है वो कभी लंबे समय तक चलता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे ताकि नीचे वो लगे ना। तो ये देखिए किनारे किनारे जो है वो घी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो घी है अब दिखने लगा है अच्छे से। इसको हम अच्छे से स्टर कर देंगे, चला देंगे, ताकि जो भी मक्खन नीचे बैठा हुआ है वो भी ऊपर आ जाए। इस तरह से बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किनारे किनारे जो है वो घी अब अच्छे से दिखने लगा है घी हमारा। ये देखिए मैं स्पून से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घी निकल रहा है, ज़्यादातर घी अब निकल चुका है। अभी भी इसे फ्लेम लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा घी अब पूरी तरह से बनकर हो गया है तैयार। तो अब इसे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। ये देखिए पूरी तरह से घी निकल चुका है और जो ये वेस्ट है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देना है और इससे ज़्यादा अब आपको नहीं पकाना है। तो इसे फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम स्टील के कंटेनर में या फिर कांच के कंटेनर में घी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी निकल चुका है पूरी तरह से। तब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये जो घी है इसको हम आप प्लास्टिक के जार में बिल्कुल भी ना रखें। घी को कांच के जार में या फिर स्टील के जार में ही स्टोर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा जो घी है वो ठंडा हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा घी निकला है। इस मेथड से घी बहुत ज़्यादा निकलता है और वेस्ट कम निकलता है। और अगर आप डायरेक्ट घी बनाएंगे तो घी कम निकलता है, वेस्ट ज़्यादा निकल जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत है, पर मेहनत से डरना नहीं चाहिए क्योंकि मेहनत के बाद का जो रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम घी को छान लेंगे एक छन्नी से ताकि जो भी उसका छोटा छोटा पार्टिकल है वो ऊपर छन्नी में रह जाए, जैसे कि हमारा घी ख़राब ना हो। तो ये मेरा घी का ही बर्तन है, मैं घी बनाकर इसी में स्टोर करती हूँ। ये मेरा घर का बनाया हुआ घी है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं इसी में ट्रांसफ़र कर लूँगी घी को। बिल्कुल सावधानी से और जो वेस्ट है उसको हम स्पून की हेल्प से ऐसे दबा दबा कर उसमें का जो भी घी है वो निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए इसमें से अच्छे से तरह से निकल चुका है, निचोड़ चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना ज़्यादा घी निकल गया है। आपने मेरे कंटेनर में देखा होगा पहले कितना सा घी था, बिल्कुल ज़रा सा घी बचा था। और ये अभी मैंने जो घी बनाया है वो है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट में घी बना है। तो आप इसी मेथड से घी बनाएं, आपका भी घी बहुत ही अच्छा बनेगा, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है, पूरा घर सुगंधित हो गया है घी की महक से। तो आप भी फ्रेंड्स इसी तरह से ट्राई करें घी निकालने के लिए। आप यकीन मानिए आपका घी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा और लंबे समय तक चलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।